तो गाइज आप Redmi Note 11 यूजर्स हो इंडिया का, तो आपके लिए गुड न्यूज करके आ चुका है दोस्तों। फाइनली ग्लोबल में Redmi Note 11 को एक न्यू स्टेबल अपडेट दिखने को मिल चुका है, वो भी MIUI 13 वाला। तो दोस्तों इस अपडेट का पूरा डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो आपका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो सबसे पहले इस अपडेट का मैं वर्जन बता देता हूँ, तो 13.0.2.0 के ऊपर ये अपडेट रोल आउट किया गया है और एक एंड्रॉइड 12 बेस्ड वाला ये अपडेट होने वाला है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। और इस अपडेट का साइज की बात करें तो 2.7 GB का इस अपडेट का साइज है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2.7 GB का इस अपडेट का साइज है, क्योंकि एक एंड्रॉइड वर्जन वाला अपडेट है। तो आपको नहीं बताया तो आपको मैं बता देता हूँ, तो कोई भी ब्रांड जब भी एंड्रॉइड वर्जन वाला अपडेट देता है तो इस अपडेट का साइज बढ़ाता है, क्योंकि इस अपडेट में जो एंड्रॉइड वर्जन है वो चेंज होने वाला है। जो आप देख सकते हैं एंड्रॉइड 11 से सीधा एंड्रॉइड 12 होता है, इसलिए इस अपडेट का साइज बढ़ जाता है, क्योंकि वही अपडेट पर आपको एंड्रॉइड जो लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन का सारे फीचर्स भी लेना पड़ता है, इसलिए अपडेट का साइज बढ़ जाता है। तो और भी आपको और आपको जो MIUI चेंजेस दिखने को मिलेगा, जो MIUI 12.5 से MIUI 13 अपडेट, तो ये आपको एक जंपिंग दिखने को मिलता है, इसलिए आपका अपडेट का साइज बढ़ जाता है। तो इसके बारे में और एक वीडियो मैं आपको बनाऊंगा सेपरेट, तो अभी आपको मैं इतना ही बता दिया। तो दोस्तों इस अपडेट का फीचर्स के बारे में बात करें तो आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 का अपडेट दिखने को मिल जाता है, इसके साथ आपका सिक्योर पैच दिखने को मिल जाता है जून मंथ का, जो कि इसी महीने का है, तो आपको लेटेस्ट सिक्योर पैच भी इस अपडेट में दिखने को मिल जाता है। और आपको MIUI 13 भी दिखने को मिल जाता है और आपको MIUI 13 वाला फीचर भी दिखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है मोर फीचर एंड इम्प्रूवमेंट में, तो पहला है ऑप्टिमाइज हुआ है कि माइंड मैप जो कि आपका नोट्स में है, तो इसको इम्प्रूवमेंट किया गया है, जिसको MIUI 13 में इम्प्रूवमेंट किया गया है और ऑप्टिमाइज भी किया गया है। तो आप माइंड मैप यूज करते हो तो नोट्स ऐप में, तो आपको पता ही होगा इस फीचर्स का क्या मतलब है। तो दोस्तों नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन ये क्या है कि आपका ऑप्टिमाइजेशन में लिखा है कि एनहांस्ड एक्सेसिबिलिटी सपोर्ट फॉर द फोन क्लॉक एंड वेदर, तो आपको एनहांस्ड एक्सेसिबिलिटी सपोर्ट दिखने को मिल जाएगा तीनों चीज़ों में, और इम्प्रूवमेंट और ऑप्टिमाइज किया जाएगा इस अपडेट में। तो इसको अपडेट करने के बाद पता चल जाएगा इसको किस तरह ऑप्टिमाइज किया गया है। तो ये अपडेट आपको मिल गया है तो अपडेट कर लेना, तो अभी पायलट स्टोर को ही मिला है, तो आप एक पायलट स्टोर तो अपने अपडेट में जाके चेक कर लो ये अपडेट आपको मिला है नहीं। तो दोस्तों आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप चाहें तो डायरेक्ट डाउनलोड करके मोबाइल पर इंस्टॉल कर सकते हैं इसका लिंक के थ्रू। तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका ओटी लिंक और रिकवरी लिंक नहीं मिलेगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाना, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल पर भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हो गए तो आप नया टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि यहाँ पर मैं अपडेट देता रहता हूँ, यहाँ पर जो MIUI का अपडेट आता है यहाँ पर मैं अपडेट देता रहता हूँ, तो ज्वाइन हो जाना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो में कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझसे छूट गया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल आइकन है इसको ऑल पर सेट कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।